मैं आदित्यनाथ योगी। सत्ता संभालते ही सरकार एक्शन में आ गए और मिनट दर मिनट हर घंटे ताबड़तोड़ एक्शन दिखने लगे। योगी ने शपथ लेते ही अपने इरादे दिखा दिए। नकारा, निकम्मे और सिस्टम को दूषित करने वालों की खैर नहीं। नई सरकार के साथ काम करना है तो कार्य पद्धति में बदलाव करना ही होगा, वर्क कल्चर बदलना होगा। तो प्रचंड बहुमत के साथ आई बीजेपी ने एक ऐसे मुख्यमंत्री को चुना है जो वाकई में अपने हर एक एक्शन से बता रहा है कि वो अगले 5 साल में राज्य को कहां तक पहुंचाना चाहता है। अभी कहने को तो 100 ही घंटे हुए हैं मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ को, लेकिन इन 100 घंटों में अगले 100 दिनों का रोड मैप नजर आता है तो अगले 5 साल की योजनाएं भी नजर आती है। चाहे बात हो महिला सुरक्षा की, चाहे बात हो यहाँ पर साफ सफाई की या फिर अधिकारियों की लेट लतीफी की, हर मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ काफी मुस्तैद और काफी सक्रिय नजर आते हैं। तारीख 19 मार्च, समय 2:30 बजे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्य रखूंगा। योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली और ठीक उसी दिन तारीख 19 मार्च समय शाम 6 बजे नए मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही पीएम मोदी की राह पर चलनी शुरू कर दी। न खाएंगे न खाने देंगे की राह पर चलते हुए मंत्रियों को संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा गया। सीएम ने आदेश दिया कि सारे मंत्री पार्टी कार्यालय और सरकार को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा 15 दिनों के भीतर देंगे। इसे मंत्रियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। संपत्ति का ब्यौरा जिस प्रकार से सभी मंत्रियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, उसी प्रकार से सभी अधिकारियों को भी कहा गया है कि वो भी अपने संपत्ति का ब्यौरा। जितने भी हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों से आग्रह किया गया है कि अपनी आय, आपकी इनकम और चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा 15 दिन के अंदर संगठन को भी देना है और मुख्यमंत्री जी के सचिव को भी देना है। समय शाम 7 बजे, बैठक वही थी लेकिन मंत्रियों को एक और सीख मिली सीएम योगी की ओर से। मंत्रियों को अनुशासित होने की सबक, वक्त पर दफ्तर आने की सबक। जी हाँ, सीएम ने मंत्रियों के लिए अनिवार्य कर दिया कि वो वक्त पर ऑफिस पहुंचे और अपने अधिकारियों को भी वक्त पर ऑफिस पहुंचने को कहे। तारीख 19 मार्च समय शाम 7:30 बजे मंत्रियों को फिजूल बयानबाजी से बचने की सलाह। सरकार संगठन में तालमेल के लिए कमेटी बनाने का निर्णय। सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक खत्म हो चुकी थी। सीएम ने सरकार के मंत्रियों को अनर्गल बयानबाजी से बचने की सलाह दी थी और सरकार के कामकाज को बताने के लिए श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह को नियुक्त किया गया। इसके साथ साथ सरकार और संगठन में तालमेल के लिए सीएम ने कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया। मंत्रियों को बीजेपी दफ्तर में देना होगा वक्त। सीएम ने इसके साथ ही ये भी ऐलान किया कि सारे मंत्रियों को बीजेपी दफ्तर में वक्त देना होगा, जिससे कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा सके। तारीख 20 मार्च समय 2:11 बजे एक दिन में 2 बार तलब किए गए डीजीपी। लॉ एंड ऑर्डर पर डीजीपी और पुलिस अधिकारियों की लगी क्लास। योगी सरकार का ट्रेलर रिलीज हो गया है, फिल्म बनकर तैयार है, स्टार्टिंग हो भी चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने जब अधिकारियों की बैठक ली तो सीधे तौर पर कड़े निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था के मसले पर कोई भी समझौता नहीं होगा। याद होगा आपको, एक दिन में 2 बार डीजीपी को तलब किया और यही स्टाइल योगी सरकार आगे कामयाब रखना चाहती है। लेकिन देखना होगा क्या 5 साल तक यही गंभीरता योगी सरकार दिखा पाएगी, क्या 5 साल तक कानून तोड़ने वालों के लिए यही सख्त निर्देश होगा। सीएम योगी एक्शन में थे। सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति यूपी की आवाम देख चुकी थी। मंत्रियों के बाद अब बारी थी यूपी के अधिकारियों की। बीएसपी नेता की हत्या से फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने लगे थे। सीएम ने फौरन ही डीजीपी को तलब किया। 2 टूक संकेत था डीजीपी को, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ढिला कोताही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। फौरन ही डीजीपी को अपराध पर रोकथाम के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने का आदेश जारी कर दिया गया। इस बैठक में अपराध पर रोकथाम के लिए डीजीपी को 15 दिनों की मोहलत दी गई। एक दिन में 2 बार डीजीपी तलब हुए। तारीख 20 मार्च समय शाम 6:30 बजे सीएम ने सभी विभागीय सचिव की बुलाई बैठक। बैठक में कामकाज को लेकर लगी क्लास।
योगी सरकार के सत्ता संभालते हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। अधिकारियों को भी समझ आ चुका था कि नई सरकार को हर हाल में नतीजे चाहिए। तारीख 20 मार्च, समय शाम 6:30 बजे। विभागीय सचिवों को बांटे गए संकल्प पत्र के वादों को अमली जामा पहनाने का आदेश मिला। ये सरकार इस बात पर पुरजोर कोशिश कर रही है कि जनता से जो वादे किए गए हैं वो पूरे हो, जो संकल्प पत्र में जिन घोषणाओं का जिक्र किया गया है वो पूरे हो, और इसी के लिए जरूरी है कि अधिकारी उसे सही तरीके से क्रियान्वित करें। सीधे तौर पर योगी सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि किसी भी सूरत में जनता के लिए जो योजनाएं बनी है, जिनका संकल्प पत्र में जिक्र है, उन पर कोताही बरती नहीं जाएगी। लापरवाही अगर कोई करेगा तो सीधे एक्शन होगा। सीएम की अध्यक्षता में विभागीय सचिवों की बैठक हुई और सभी अधिकारियों को संकल्प पत्र के वायदों को जल्द से जल्द अमल करने को कहा गया। सचिवों को टास्क मिला कि वायदे जमीन पर दिखने चाहिए और तय समय सीमा के भीतर सारे काम पूरे होने चाहिए, इसलिए अधिकारी लोक संकल्प के हिसाब से अपनी योजना बनाएं। तारीख 20 मार्च, समय शाम 6:30 बजे। अवैध बूचड़खाने पर सरकार हुई सख्त, अधिकारियों को फॉरेन ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा गया। बैठक वही थी लेकिन फैसले एक के बाद एक कड़े हो रहे थे। संकल्प पत्र में बीजेपी ने अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई का भरोसा दिया था और अधिकारियों के साथ पहली ही बैठक में इसका असर दिखने लगा। सीएम ने अधिकारियों से उनका ब्लूप्रिंट पूछा कि अवैध बूचड़खानों पर वो कार्रवाई कैसे करेंगे। अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर इस पर नतीजे मांगे गए और यूपी के हर हिस्से में अवैध बूचड़खानों के बुरे दिन शुरू हो गए। दो सलाइटर हाउस हैं, दोनों अवैध हैं, दोनों हम लोगों ने आज बंद कर दिया, सील कर दिया है, ठीक है। संभल नगर पालिका में 15 लोगों को मीट बेचने का परमिशन दिया गया है, जबकि यहाँ जितने उसके अलावा जितने भी लोग बेचते हुए मिलेंगे उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। देखिए, ये हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है, उसके अंदर जो अवैध है उस पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई है और कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी। और जिन लोगों को लाइसेंस दिया हुआ है वो लाइसेंस का अपने कंडीशन का पालन करें, उनको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। मगर वो कहीं उसका पालन नहीं करते तो वो लाइसेंस रद्द होंगे, ये भी उन लोगों को पता होना चाहिए। महिलाओं और युवाओं के मामले पर अधिकारी बने गंभीर, किसानों के मामले पर लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। एक्शन में आए सीएम का एक और बड़ा कदम था जो अधिकारियों के साथ बुलाई गई बैठक में ही लिया गया था। सीएम ने कहा कि तहसील और थानों में किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, महिलाओं के प्रति अधिकारी अपना रुख बदलें। सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, उन्हें समान अवसर देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। तारीख 20 मार्च, समय शाम 6:30 बजे। स्वच्छता के लिए अधिकारियों को दिलाई शपथ। स्वच्छता को लेकर योगी सरकार की सक्रियता ठीक केंद्र सरकार की तरह है, जिसमें मोदी लगातार स्वच्छता को लेकर के अभियान चलाते दिखे हैं। मंत्रियों को हमने देखा हाथ में झाड़ू लिए थे, हमने देखा अधिकारियों को कि वो किस तरीके से अपने दफ्तर को साफ कर रहे थे, हमने पुलिस थानों की तस्वीर भी देखी कि किस तरीके से वो सुबह अपने पुलिस थाने की सफाई में लगे हुए थे। दरअसल यही मैसेज जो योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत में दिया है, स्वच्छता को लेकर हो, कानून व्यवस्था को लेकर हो, किसानों के मुद्दे को लेकर हो, उनकी सक्रियता औचक निरीक्षण को लेकर हो, ये सीधे तौर पर संदेश है कि सरकार बदल चुकी है, निजाम बदल चुका है, कार्यशैली बदल चुकी है और यही कार्यशैली अगले 5 साल तक दिखने वाली है। स्वच्छता शपथ है, महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा, मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और नहीं होने देते हैं। अधिकारियों के साथ बैठक जारी थी, सरकार ने अपनी नीतियां जाहिर कर दी थी और अधिकारियों को भी समझ आ चुका था कि लापरवाही नहीं चलने वाली।
योगी एक्शन में थे, अब बारी की अधिकारियों के दिमागी गलतफहमी साफ करने के बाद असली साफ सफाई की। घर से ऑफिस तक, बाहर से बरामदे तक, लिहाजा सीएम ने केंद्र की मोदी सरकार के तर्ज पर तन और मन सब साफ रखने का संकल्प दिलाया और उन्हें अपने विभाग के एक एक कर्मचारियों को भी ये शपथ दिलाने के लिए प्रेरित किया गया। तारीख 21 मार्च, समय शाम 4:30 बजे। संसद में योगी ने यूपी प्लान बताया। इस्तीफा देने लोकसभा पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने संसद के भीतर वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान अपना यूपी प्लान सबके सामने रखा। उन्होंने भरोसा दिया कि यूपी पीएम मोदी के सपनों का प्रदेश बनेगा। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का प्रदेश होगा, देश का उत्कृष्ट प्रदेश होगा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा, दंगों से मुक्त प्रदेश होगा, अराजकता और गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश होगा और उत्तर प्रदेश में हम विकास का एक ऐसा मॉडल देंगे कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। तारीख 21 मार्च, समय शाम 7:30 बजे। अयोध्या में राम संग्रहालय पर केंद्र से हुई बातचीत। सीएम दिल्ली में थे और वहां पर्यटन मंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने राम संग्रहालय पर जमीन देने को हामी भर दी। तारीख 22 मार्च, समय शाम 6:30 बजे। पुलिस जोन के 11 जिलों में एंटी रोमियो स्क्वाड बने। सीएम के आदेश के बाद जिन अधिकारियों में जंग लग चुका था वो अब फटाफट काम करने लगे थे। 20 मार्च की बैठक में सीएम ने एंटी रोमियो स्क्वाड गठन का आदेश दिया और अगले ही दिन पुलिस अधिकारियों ने इसे सच भी कर दिखाया। फिर जगह जगह रोड साइड रोमियो पर कहर बरसने लगा, राह चलते मजदूर पकड़कर जेल भेजे जाने लगे। पहले जब हम लोग घर से निकलते थे तो लड़के छेड़खानी करते थे, कमेंट्स करते थे, या फिर कभी कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो जिनके साथ बदतमीजी हो जाती है, वो नहीं बता पाती थी, नहीं शेयर कर पाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। जब से ये हो गया है तो लड़कियाँ सब कुछ बता सकती हैं। महिला थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम बनाई गई, साथ ही सभी थानों पर एक उप निरीक्षक, महिला कांस्टेबल और पुलिस कर्मी के साथ टीम बनाकर ये कार्रवाई कराई जा रही है। तारीख 22 मार्च, विभागों का हुआ बंटवारा। सबको इंतजार था विभागों के बंटवारे का और आखिरकार विभागों का बंटवारा भी हो गया। बंटवारे के बाद मंत्रियों ने अपने अपने विभाग में कामकाज शुरू कर दिए। सीएम ने सचिवालय का किया औचक निरीक्षण, गंदगी देखकर लगाई फटकार। तो योगी आदित्यनाथ के 100 घंटे के रोड मैप को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी में सबसे अहम था समय की पाबंदी और स्वच्छता अभियान। सचिवालय पहुंचे सीएम साहब तो देखा ऑफिस में कोई नहीं है, दीवारें गुटके और पीक की गवाही खुद दे रही थी। अब समय बदल चुका है और इस बदलते समय में हर अधिकारी को समझना होगा पहले वाला ढर्रा नहीं चलेगा। अब प्रदेश में योगी की सरकार है, समय के साथ स्वच्छता का भी ख्याल रखना होगा और इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने रुख किया सचिवालय का। सीएम आदित्यनाथ सचिवालय के औचक निरीक्षण पर पहुंच गए जहां उनकी नजर गई पान गुटके की पिचकारी पर। गंदगी और धूल की मोटी मोटी पत्ते सचिवालय की शोभा बढ़ा रहे थे। सीएम ने शौचालय तक की हालत देखी और अधिकारियों को साफ सफाई रखने के फौरन आदेश दिए। एनएक्सी का निरीक्षण किया है, सभी तलों का निरीक्षण किया है और उन्होंने निर्देश दिया है कि पूरा स्वच्छ वातावरण और स्वस्थ वातावरण यह एनएक्सी का भी रहे और प्रदेश का भी रहे। परिवर्तन जो हुआ है वो दिखाई देना चाहिए और जहाँ कहीं भी गंदगी देखने को मिली है वो तत्काल साफ रहे और सभी संबंधित विभागों को, अधिकारियों को, सचिवों को, प्रमुख सचिवों को भी निर्देश दिया गया है। तारीख 22 मार्च, सचिवालय में पान गुटका पर लगा प्रतिबंध। सीएम ने पान गुटके की पिचकारी देखी और भड़क गए। फौरन ही सचिवालय में पान गुटके पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इस आदेश को तोड़ने पर जुर्माना लगाने का भी आदेश जारी किया गया। पान मसाले के लिए भी उन्होंने कहा है, प्लास्टिक के लिए उपयोग के लिए भी कहा है, पान भी कहा है, किसी भी प्रकार की परिसर के अंदर सरकारी जो भी भवन है, सरकारी जो स्थान है वहाँ गंदगी ना। तारीख 22 मार्च, अधिकारियों को वक्त पर आने का भी मिला आदेश। सचिवालय के औचक निरीक्षण के साथ ही सीएम योगी ने उन्हें वक्त का पाबंद बनने की भी सलाह दी और ना मानने वालों पर कार्रवाई का आदेश भी। तारीख 22 मार्च, एक ट्वीट पर काम करने लगी पुलिस। और इस 100 घंटे की रोड मैप में बहुत अहम है प्रदेश की पुलिस, जिसके लिए कोई मायने नहीं रखता, ना कोई नियम, ना कोई कायदा, ना किसी अधिकारी या फिर मंत्री का निर्देश, लेकिन अब वो पुलिस
सतर्क हो चली है, एक ट्वीट पे काम करती है और एक ट्वीट पर अब भागी भागी फिरती है प्रदेश की पुलिस। जाहिर सी बात है, यही है मोदी के साथ योगी का प्रदेश में इंपैक्ट। योगी आदित्यनाथ ने यह बता दिया है कि सरकार बदल चुकी है और अब बदल कर ही काम हो पाएगा। सीएम के एक्शन का ही नतीजा था कि पुलिस अब क्विक एक्शन लेने लगी थी। कानपुर के एक परिवार की महिलाओं पर दबंगों ने हमला किया, पहले जो पुलिस काम नहीं कर रही थी अब वही पुलिस एक ट्वीट पर हरकत में आ गई। पीड़ित परिवार ने ट्विटर पर मदद की गुहार लगाई और पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई कर दी। इतने में दोपहर का टाइम था, भाई होली खेल रहा था और बगल वाला पड़ोसी अचानक से गाली गलौज करने लगा, हमारे घर के आसपास आकर गाली गलौज, खूब गंदी गंदी घिनौनी गालियां दे रहा था। तो ऊपर से कह रहा है बाहर आओ, गाली गंदी गंदी गालियां देने लगा। इतने में उसके भाई और गंदी गंदी गालियां, इसका बेटा और ये दोनों बाहर आ गए और हमारे दरवाजे आ गए। भाई को पता नहीं, ये लड़का उनका कुछ चाकू और कुछ बंदूक तरीके का कुछ लिए था और उनका बाप कुछ लकड़ी का बड़ा सा रॉड लिए था। मैं सीएम से गुहार लगा रहा हूँ सर कि मुझे न्याय मिले, मेरी बेटी की 25 तारीख को शादी है, उसमें सुरक्षा प्रदान की जाए, मुझे मैं सुरक्षा चाहता हूँ सर। सीएम तक बात इसलिए पहुँचाई कि सर मैं दौड़ रहा हूँ, एसओ से मिला, एसओ ने कल आदेश दिया ट्वीट के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, उन्हें समान अवसर देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। हजरतगंज थाने के औचक निरीक्षण पर पहुंचे सीएम, थानों में साफ सफाई पर दिया जोर। बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के हजरतगंज थाने पहुंचकर सीएम ने सबको सरप्राइज कर दिया। सीएम ने फिर महिला थाने का हाल जाना, उसके बाद कोतवाली थाने भी गए। एक ही दिन में लखनऊ के 3 थानों को नाप कर योगी ने बता दिया कि वो सरप्राइज देने वाले सीएम हैं। सभी मंत्रियों ने संभाला पदभार, पदभार ग्रहण करने पहुंचे राज्य मंत्री मोहसिन रजा भड़के। सरकार बदल चुकी थी लेकिन अधिकारियों को शायद अब भी बातें समझ नहीं आई थी। पदभार ग्रहण करने पहुंचे राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कार्यालय में पूर्व मंत्री आजम खान और मुलायम सिंह यादव की तस्वीर देखी, जिसके बाद वो सचिव पर भड़क गए और फौरन उन तस्वीरों को हटाने का आदेश दिया। आपको पता है सरकार किसकी तस्वीरें क्यों लगी हुई है? हटाने का आदेश क्या आएगा? सरकार किसकी है आप ये बताइए ना, सरकार किसकी है ये तो आपको देखना है। सीएम की मुहिम के साथ खड़ा हुआ समाचार प्लस। सीएम ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, हम भी हकीकत जानने निकल गए। तभी पीडब्ल्यूडी विभाग के कारस्थान से सामना हुआ जहां घपलेबाजी का खेल चल रहा था। हमारे कैमरे की नजर पड़ी तो कारस्थानों की बोलती बंद हो गई। तारीख 23 मार्च, हमारे मुहिम की पीडब्ल्यूडी मंत्री केशव मौर्य ने तारीफ की, समाचार की मुहिम रंग लाई, भ्रष्ट और जनता के पैसों को लूटने वाले लोगों की फौरन पहचान हुई। पीडब्ल्यूडी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाचार प्लस की इसके लिए तारीफ की और भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। ऐसे कोई भी मामले उत्तर प्रदेश भर में कहीं होंगे, आपने ऐसा कहीं खोजने का काम किया, आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अब पीडब्ल्यूडी के अंदर किसी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये स्पष्ट आदेश मैंने पहले ही दिन दे दिए हैं कि जो सही रास्ते पर नहीं चलेंगे उनके लिए मैं कह सकता हूं कि अब अच्छा समय नहीं। तारीख 23 मार्च, मंत्रियों ने अपने दफ्तर में लगाया झाड़ू, पहले पीएम मोदी फिर सीएम योगी। योगी सरकार के मंत्रियों ने स्वच्छता के संदेश को बखूबी आदत में उतार लिया, इसलिए पदभार ग्रहण करने पहुंचे मंत्री उपेंद्र तिवारी ने अपने दफ्तर के आसपास झाड़ू लगाया और अपने सचिवों को भी आसपास सफाई रखने का निर्देश दिया। उसके बाद मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी पदभार ग्रहण करने के बाद अपने कार्यालय की साफ सफाई की। गौरक्षा के नाम पर कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, सीएम योगी पूरे तेवर में थे। सरकार ने गौकशी रोकने का भरोसा दिया था लेकिन उसके सामने ऐसे लोग चुनौती की तरह थे जो गोरक्षा के नाम पर कानून हाथ में ले रहे थे। सीएम ने फौरन आदेश दिया, गोरक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मास्टर प्लान का ऐलान, स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मास्टर प्लान का ऐलान कर दिया, जिसमें फेक मेडिसिन रैकेट खत्म करने की बात कही गई और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से मनमानी वसूली पर रोक लगाने का भी फैसला हुआ। एसिड अटैक पीड़िता से मिलने पहुंचे सीएम,
सीएम ने अधिकारियों को चेता दिया था महिलाओं के मामले में संवेदनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन लखनऊ में एक महिला के साथ रेप, फिर उस पर हुए एसिड से अटैक की वजह से उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई। वो लखनऊ के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही थी, तभी उसके जख्मों पर मरहम लगाने सीएम योगी पहुंचे और पुलिस अधिकारियों को फौरन ही गुनहगारों पर कार्रवाई का आदेश दिया। तारीख 24 मार्च दिन शुक्रवार, हर महीने अधिकारियों को देना होगा वर्क रिपोर्ट, हर दिन कामकाज की होगी समीक्षा। सीएम योगी का ये अहम और बड़े फैसलों में से एक था। सीएम ने ये साफ कर दिया कि हर महीने की आखिरी के 3 दिनों में छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक को अपने कामकाज का हिसाब देना होगा, जिससे सरकार ये जान सके कि अधिकारी कहीं काम के नाम पर कुर्सी तो नहीं तोड़ रहे। इसके लिए मुख्य सचिव ने आदेश भी जारी कर दिया। फिलहाल तो ये लेखा जोखा महज 100 घंटों का है, क्या यही सक्रियता, क्या यही तेजी अगले 5 साल तक देखने को मिलेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो यहाँ पर कई वो मुद्दे हैं जिन्हें किसी भी सरकार ने छुआ नहीं। क्या योगी सरकार ऐसा कदम उठाएगी जिनसे उन मुद्दों को भी सुलझाया जा सके जो राज्य में है तो सही लेकिन सुलझते कभी नहीं। मतलब नेक इरादों के साथ योगी सरकार कदम कदम पर आगे बढ़ रही है। ये सिर्फ 100 घंटों के एक्शन है, लेकिन इसमें 100 दिनों का प्लान साफ साफ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।